सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट क्लासेस में आज सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक के बारे में, उनसे जुड़ी हुई कुछ हम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को डिटेल में कवर करेंगे। सो स्टॉक में से कोई भी स्टॉक आप लोगों के पास है किसी भी लेवल पे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंडेक्स केमिकल लिमिटेड के बारे में। सो फ्रेंडेक्स केमिकल लिमिटेड में फ्राइडे के दिन इन स्टॉक में हमें लगभग 2% के आसपास हमें गिरावट देखने को मिला, और उसके नेक्स्ट दिन यानी कि शनिवार के दिन इस कंपनी का हमें Q4 के नंबर भी आने वाले थे, तो नंबर आने से एक दिन पहले इन स्टॉक में लगभग हमें 2% गिरावट देखने को मिला। यानी कि शायद से बाजार मान के चल रहे कि इस बार भी फ्रेंडेक्स के नंबर हमें थोड़ा बहुत नॉर्मली देखने को मिल सकते, जिनके चलते नंबर आने से पहले स्टॉक में हमें थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिला। सो कल के दिन इस कंपनी के हमें इवनिंग मतलब 7-8 बजे के बाद कंपनी के हमें Q4 के नंबर देखने को मिला। सो नंबर कैसा है, तो डायरेक्टली हम चलते कंपनी के नंबर के ऊपर, उसके बाद नंबर को हम डिटेल में स्टडी करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं इस नंबर के प्रति कल के दिन यानी कि मंडे के दिन इस नंबर के प्रति बाजार का क्या रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि बहुत ही छोटी कंपनी है ना, तो थोड़ा सा भी नंबर ऊंच नीच हुआ तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपको पिटाई भी देखने को, मतलब बहुत ज़्यादा आपको गिरावट भी देखने को मिल सकता है। सो चलते हम डायरेक्टली कंपनी के नंबर के ऊपर, उसके बाद हम देखते हैं कि हम ये नंबर हमें कैसे लगे, कि इस नंबर को देख के एज ए लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर कि कंटिन्यू करके चलना चाहिए, कि एवरेज करके चलना चाहिए, क्या फेज बाय करके चलना चाहिए, साथ साथ इस नंबर को देख के कल के दिन बाजार क्या रिएक्शन दिखा सकता है। तो चलते हम डायरेक्टली कंपनी के नंबर के ऊपर। सो डायरेक्टली कंपनी के नंबर के ऊपर जाने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्म, जो कि कंपनी छोटी तो है फिर भी कंपनी ने 80 पैसे का हमें डिविडेंड डिक्लेयर करते हुए देखने को मिला, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। सो हम आ चुके कंपनी के कंसोलिडेट नंबर के ऊपर, तो सबसे पहले वो देख लेते सिक्वेंस, तो इस बार के मार्च दिसंबर और मार्च तो सिक्वेंस एकदम ओके है। अब चलते कंपनी के टोटल नेट इनकम। सो इस बार की कंपनी की इनकम की बात करें 13,977 करोड़, पिछले क्वार्टर में 11,100 करोड़ और एक साल पहले 12,162 करोड़। तो ईयरली बेसिस देखोगे, क्वार्टरली बेसिस देखोगे, कंपनी की जो इनकम है इस बार की दोस्तों बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं कंपनी के टोटल एक्सपेंस के ऊपर। सो टोटल एक्सपेंस की बात करें, इस बार देख पाओ 10,640 करोड़ और एक साल पहले सॉरी पिछले क्वार्टर में 8,200 करोड़ और एक साल पहले 10,097 करोड़। तो जिस हिसाब से कंपनी का हमें इनकम देखने को मिल रहा है, उस हिसाब से कंपनी का हमें एक्सपेंस भी ओके टाइप पे देखने को मिले। उसके बाद इनकम माइनस एक्सपेंस आ जाते हैं प्रॉफिट। कौन सी प्रॉफिट विदाउट एडजस्टमेंट, मतलब जिसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा, जिसमें हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंसीडर करते हैं, चाहो तो आप उसे भी कंसीडर कर सकते हो, जो कि ये वाले प्रॉफिट है दोस्तों 3,337 करोड़ और पिछले क्वार्टर में 2,900 करोड़ और एक साल पहले 2,065 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपको धमाकेदार देखने को मिलेगा। इसके बाद बहुत सारे एडजस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, करंट टैक्स, डिफर टैक्स, सारी चीज़ों को कट करने के बाद जो एक्चुअल नंबर निकल गएगा, जो कि कल के दिन इस नंबर को बाजार भी कंसीडर करेगा, और आपको हर न्यूज़ चैनल के ऊपर यही प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाएगा। और वो प्रॉफिट है दोस्तों इस बार के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि 2,600 करोड़ और पिछले क्वार्टर में 2,247 करोड़ और एक साल पहले सिर्फ और सिर्फ 1,700 करोड़। तो 1,700 करोड़ पर नेट प्रॉफिट कितने, 2,600 करोड़, लगभग 900 करोड़ की जंप, और पिछले क्वार्टर में 2,240 करोड़ के नेट प्रॉफिट जो कि इंक्रीज होकर 2,600 करोड़। तो ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस पे कंपनी ने जो नंबर इस बार के दिखाए, वाकई बहुत ही शानदार नंबर दिखाए। और इसी के रिफ्लेक्ट आप चाहो तो कंपनी के अर्निंग पर शेयर यानी कि EPS में भी देख सकते हो, जो कि आपको सेम देखने को मिल जाएगा 2.33 पिछले क्वार्टर में 2K EPS और एक साल पहले 2.1149K EPS। तो सेम हिसाब से ईयरली बेसिस बहुत शानदार जंप है, क्वार्टरली बेसिस भी बहुत ही शानदार जंप है। तो इस बार कंपनी ने नंबर कैसे दिखाए, वो तो नंबर जो कंपनी ने दिखाया बहुत ही सॉलिड नंबर दिखाए, जो कि आप अलग अलग वेबसाइट के ऊपर भी देख पा रहे होंगे। जो गिरावट हमें पिछले क्वार्टर में देखने को मिला था ना थोड़ा सा, वो कमबैक वो भी बहुत सॉलिड तरह से कमबैक किया। तो ईयरली बात करें चाहे क्वार्टरली बात करें, हमें इस बार जो कंपनी ने नंबर प्रेजेंट किया बहुत ही सॉलिड नंबर प्रेजेंट किया। सो नंबर को तो हमने डिटेल में स्टडी कर लिया, तो कल के दिन क्या रिएक्शन हो सकता है ये नंबर देख के मैं तो इतना कहना चाहूँगा, मेरे पास ये स्टॉक है मैं बिंदास होकर कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि कंपनी ने बहुत ही धाकर नंबर दिखाया। अब बात करते हैं कि आपके पास है तो बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपने भी साथ से नंबर को स्टडी किया होगा, तो बहुत ही कमाल के नंबर प्रेजेंट किया। आप ये देख रहे थे कल के दिन इस नंबर को बाजार को कैसा रिएक्शन दे सकता है। दोस्तों अगर मैं अपने हिसाब से बात करूँ, जिस प्रकार की कंपनी ने नंबर दिखाया, जिस प्रकार की कंपनी ने नंबर से कमबैक दिखाया, मुझे ऐसा लगता है इस कंपनी में कल के दिन बहुत ही शानदार रैली दिखा सकता है। अगर बाजार नॉर्मल रहा तो इस स्टॉक में आपको कल के दिन इस नंबर को बाजार ज़रूर अप्रिशिएट मतलब तेज़ी के साथ अप्रिशिएट आपको ज़रूर करते हुए देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ जिस लेवल पर स्टॉक ने क्लोजिंग 250 के
जो गिरावट के बाद जो उसने फिर एक बार 216 तक आए थे, उसके बाद जो कमबैक किया, अब 250 के ऊपर उसने क्लोजिंग दिया, उसी के सस्टेन दे रहा है और इसी के बीच में कंपनी के नंबर भी आए। तो डेफिनेटली ये रैली आपको और भी कंटिन्यू रहते देखने को मिल सकता है और स्टॉक बहुत ही शॉर्ट पीरियड के अंदर आपको 300 के लेवल भी, उसके बाद 350 के लेवल भी आपको शायद से बहुत ही शॉर्ट पीरियड में दिखाते देखने को जरूर मिल सकता है। जिनके पास है इस नंबर को देख के मैं इतना तो जरूर कहना चाहूँगा, जिन्होंने टॉप पे बाय किया ग्रीन सिग्नल है, आप बिंदास होकर कंटिन्यू करें दोस्तों, ये लेवल आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। सो अगर हम कंपनी की भी बात करें, बहुत ही शानदार कंपनी है, कंपनी छोटी तो जरूर है, 2-3 हज़ार करोड़ के मार्केट कैप है, लेकिन कंपनी है बहुत धमाकेदार। 1979 की ये कंपनी है, कंपनी स्पेशलिटी केमिकल में अच्छे खासी योगदान है और उसमें भी टेक्सटाइल की बात करें, कंस्ट्रक्शन की बात करें, वाटर ट्रीटमेंट, फर्टिलाइजर, लेदर और पेंट इंडस्ट्री में, इन सारी चीज़ों में कंपनी की केमिकल की अच्छी खासी हमें योगदान देखने को मिले थे और पीडीलाइट, एशियन पेंट जैसे भी इनके बड़े बड़े हमें क्लाइंट बेस देखने को मिले थे। सो कंपनी है तो छोटी बट इंटरेस्टिंग ज़रूर है। 5-5 साल की परफॉर्मेंस की बात करें, 253% रिटर्न, वो भी तब जब टॉप लेवल से 30-40% गिरावट होने के बाद ही। तो इस गिरावट से पैनिक करने की जरूरत नहीं, अगर आप इसमें से कोई हो जो स्टॉक को तेजी देख के बाय गए 400 के लेवल पे, 350 पे या 300 पे, तो इतना कहना चाहूँगा कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी इस प्रकार की गिरावट इससे पहले भी, और अगर मैक्सिमम चार्ट देखोगे तो इससे पहले ऐसे गिरावट दिखाते हैं क्योंकि कंपनी इसी प्रकार की बिजनेस करते हैं, कभी ज़्यादा ऑर्डर मिल जाते हैं तो बहुत शानदार नंबर दिखाते हैं तो स्टॉक भी भाग जाता है 200-300-400-500%, और जब कंपनी के ऑर्डर कम हो जाते हैं तो नंबर डाउन हो जाता है, प्रॉफिट डाउन हो जाता है, ईपीएस डाउन हो जाता है, तो स्टॉक का पी यानी कि स्टॉक प्राइस भी आपको अच्छे खासे गिरावट दिखाते देखने को मिल जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बुरी है, कंपनी अच्छी है तो डेफिनेटली होल्ड करना। हाँ, कल के दिन अगर बाजार नॉर्मल रहा या थोड़ा बहुत तेजी रहा तो कल के दिन शायद से इस नंबर को बाजार तेजी के साथ, अच्छे खासे तेजी के साथ भी आपको अप्रिशिएट करते हुए देखने को जरूर मिल सकता है। देन नेक्स्ट स्टॉक है सोफेयरकेम। अब हमने फेनोडेक्स के तो नंबर देख लिया, नंबर तो बहुत ही धमाकेदार है, हमारा नेक्स्ट स्टॉक रहेगा, नेक्स्ट फोकस रहेगा फाइन ऑर्गेनिक के ऊपर, सॉरी फेयरकेम ऑर्गेनिक के ऊपर। क्यों? क्योंकि इसने भी आपने देखा इस स्टॉक में अभी भी आपको 50% या फिर उससे भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगा। बीच में तो ये गिरावट आपको होता है 900 तक गए थे स्टॉक, तो 60-70% स्टॉक बीच में गिरा था, उसके बाद थोड़ा कमबैक आया, अब फिर भी देखोगे तो आपको 50% ज़्यादा स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिलेगा, वो भी कंसिस्टेंसी। और नो डाउट इस गिरावट के पीछे का रीज़न मैंने आपको मल्टीप्लाई टाइम बता चुका हूँ, कोई मतलब एक्सटर्नल रीज़न नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी के खुद के इंटरनल रीज़न है। क्योंकि अगर आप देखोगे कंपनी के खुद के परफॉर्मेंस लगातार हमें खराब और खराब ही दिखाते देखने को मिल, जो कंपनी के मेन इनकम है आप देख पाएंगे लगातार कंपनी की इनकम ही डाउनफॉल आ रहा है। सीधा 200 करोड़ के इनकम जो कि पहले क्वार्टर में हुआ करते थे, फिर उसके बाद 150 करोड़, अब तो सीधा 100 करोड़ तक भी, मतलब 100 करोड़ के भी कंपनी तक आते देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही पुअर नंबर दिखा रहा है, साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी देख सकते हो, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस कंपनी दिखा रहा है। अगर ऐसे परफॉर्मेंस कंपनी दिखाएगा तो नो डाउट स्टॉक में तो आप खुद ही सोच सकते हो किस प्रकार की गिरावट होगा। ऊपर से ये स्टॉक है स्मॉल कैप स्टॉक का, सिर्फ और सिर्फ 1,500 करोड़ के मार्केट कैप है, इसलिए आपने देखा होगा 2450 के जो टॉप बने आप कितने में ट्रेड कर रहे हैं, 1100, लोग कितने बने थे 905 के, यानी कि 60-70% ईजिली आपको गिरावट देखने को मिल जाएगा। अभी भी कैलकुलेट करोगे तो 55% आपको टॉप टू बॉटम करेक्शन देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब है, कंपनी अच्छी है, लेकिन कंपनी कुछ टाइम से कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा रही, और हमारा काम ये है कि जो कंपनी अच्छे परफॉर्मेंस दिखाए उसी के साथ एवरेज करना होता है और उसी के साथ हमें कंटिन्यू करके चलना होता है। और कंपनी साथ साथ बहुत ही न्यू कंपनी है और इससे पहले गिरावट इसी टाइप पर दिखाते हैं, जब कंपनी के नंबर अच्छे आते हैं यानी कि ऑर्डर अच्छी मिलता है तो स्टॉक भाग जाते हैं, नंबर भागते तो स्टॉक भी भागेगा, जब ऑर्डर डाउनफॉल हो जाता है तो स्टॉक भी डाउनफॉल दिखा देते हैं। तो 30 मई को कंपनी के नंबर है दोस्तों, नंबर देखना, उसके बाद भी अगर आपको एक भी शेयर एवरेज करना है या फेज बाइंग करना है, 30 मई को नंबर है, नेक्स्ट वीक को नंबर देखना, उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हो। अगर कंपनी की बात करें, कंपनी बुरी नहीं, कंपनी अच्छी है, लेकिन कुछ टाइम से कंपनी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे। देन नेक्स्ट स्टॉक है हमारा सो अथॉस लिमिटेड की बात करें, हाल ही में कंपनी के नंबर देखने को मिला और नंबर जो था दोस्तों, नंबर में कुछ ज़्यादा दम नहीं था, ओके ओके टाइप का नंबर था, लेकिन बाजार के हिसाब से बहुत ही खराब नंबर था, और उसके बाद आपने देखा होगा बहुत बड़े हमें नोज डैप गिरावट देखने को मिला। सो अगर हम कंपनी की बात करें, जिन्होंने भी स्टॉक को तेजी देख के बाय किया, क्यों आपको पता है बीच में एक मंथ में स्टॉक ने बहुत ही शानदार रैली दिखाई, लगभग 40-45% के आसपास, तो बहुत सारे लोगों ने जो टॉप बने थे 1477 के आसपास, अगर इस लेवल पे भी आपने खरीदा हुआ जितने भी अमाउंट, तो कंपनी बुरी नहीं, कंपनी अच्छे लॉस से बेचने वाली कंपनी तो ये बिल्कुल भी नहीं। साथ साथ इस कंपनी की शुरुआत हमें अभी अभी होते देखने को मिला, कंपनी छोटी है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग इनके बिजनेस मॉडल है, तो आने बैठे में ये कंपनी बहुत शानदार ग्रोथ दिखा सकता है, तो इसको फोकस बना के रखना, किसी को एंट्री लेनी है तो 1000 के लेवल पे आ जाए, तब आप छोटा सा एक इंस्टॉलमेंट आप लगाने के बारे में विचार कर सकते हो। देन नेक्स्ट स्टॉक है हमारा हेडविनी इंडिया लिमिटेड के बारे में। सो फ्राइडे के दिन के परफॉर्मेंस की बात करें तो 101% के तेजी, और जब से लिस्टिंग हुआ एक अच्छे खासे डिसेंट रिटर्न बना के दिया, साथ साथ कंपनी के मैनेजमेंट ने
और एक अच्छा काम किया 1:10 का स्प्रीड डिक्लेयर करके, तो जिनके पास है उनके लिए तो ये गुड न्यूज़ है, जिनके पास है नहीं स्प्रीड को देख के और ऐसे तेजी को देख के ऐसे स्टॉक को फ्रेज बाय मत करना। सो वीडियो